नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सहरावत आपके अपने YouTube चैनल प्राइम कॉम्पिटिटिव सक्सेसेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हो IBPS कलर परी का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, तो उस एग्ज़ाम के बारे में प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन पेपर्स की हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और उन सीरीज़ को हम सॉल्व करेंगे और उनमें मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक प्रीवियस ईयर का पेपर IBPS का आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, IBPS कलर के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस वो हमसे पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का ये पेपर है जो मेरे पास है और हम इस तरीके से पूरी सीरीज बनाएंगे एक, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स IBPS से रिलेटेड हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और इसके अलावा अभी हम एक RRB के ऊपर, RRB NTPC के ऊपर और एक हरियाणा HSSC के ऊपर भी एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम होंगे उनमें मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन सबको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, उसने हमसे पूछा है इसका स्क्वेयर प्लस 9 का स्क्वेयर प्लस 34 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 39। तो उसने हमसे इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछी है, वो जानना चाहता है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हम यहाँ पे एक्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 9 का स्क्वेयर कितना होता है, 81। और 81 81 को अगर हम 34 में प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 5 और 11 115। तो हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 115 डिवाइडेड बाय 5, 5 से भाग करेंगे और 39। अगर हम 111 को 5 से भाग करते हैं तो 5 दूनी 10, बचते हैं 1 और 3 पे जाएगा तो 23 पे ये चला गया। x का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, जो ये 23 है इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 39 माइनस 23। 39 में से अगर हम 23 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 6 और ये आ रहा है 1, यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यानी कि अगर हम इसका रूट करते हैं, इधर स्क्वायर हटाने के लिए इसका हमें रूट करना पड़ेगा और 16 का रूट क्या होगा, प्लस माइनस 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक सा बोर्ड मास के ऊपर एक क्वेश्चन उसने यहाँ पे पूछा है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है 6 × 16 × 5 / 3 माइनस, यहाँ पे फिर से उसने क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम एक्स लिखते हैं, उसका एक्स का स्क्वेयर और इक्वल टू 96 के, यानी कि ये 96 के बराबर आ रहा है। तो ये बोडोमास से रिलेटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं और इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। जितना फास्ट आप कैलकुलेट करते हो उतना ही जल्दी इनका आंसर निकल जाता है। कई बार क्या होता है, बोर्ड मास में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे जहाँ पे गुणा और भाग दिया होता है वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमें दिया गया होता है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, कहाँ पर भाग का निशान आ रहा है, क्योंकि बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, BODMAS, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, और बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, और उसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटानी होती है, फिर ऑफ यानी कि का हमें दिया होता है, फिर उसके बाद फिर हमें डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर एडिंग और फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि जमा और घटा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा, यहाँ पर डिवाइड दिया तो सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं, ठीक है। 6 × 16 × 5 / 3 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 96 के, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आ रहा हमारा, 6 × 5 = 30, 16 × 30
यानी कि 16 गुणा 30 हमारा कितना आएगा 0, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 480 और बटे में 3 माइनस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 96। यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 एक पे जाएगा, ठीक है, 3 16 6 पे जाएगा 0, 16 तिया 160। अब हम इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये हमारे पास, अगर हम 160 में से 96 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 64। और स्क्वायर को हटाने के लिए हमें इसका रूट करना होगा और x ये इधर माइनस का था तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8 प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। इससे आगे की बात हम करते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, ठीक है, इसके ऊपर हमें रूट दिया गया है तो इस रूट को अगर हमें हटाना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसको स्क्वेयर करना होगा दूसरी साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 124 प्लस एक्स प्लस 169 इज इक्वल टू 324 यानी कि 324। अब हम इसको और इसको जोड़ते हैं, इन दोनों का जोड़ हमारे पास क्या आता है, एक्स प्लस 9 और 4 13 हासिल 1, 12 और 16 28 और एक हासिल 29 293 इज इक्वल टू 324। ठीक है, अगर हम x निकालना है, अगर हम x निकालना चाहते हैं तो हमें ये वैल्यू उस साइड लेके जानी पड़ेगी और ये 324 से माइनस हो जाएगी तो 324 से 293 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 31। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे। IBPS के प्री एग्ज़ाम में पिछले साल के ये क्वेश्चन हैं, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, ये पुराना पेपर सेट है। और इस तरीके से हम पूरी सीरीज यहाँ पे करने जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट किया है आज हमने इस सीरीज़ को। इससे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन में वो कहना चाहता है 28 यानी कि 28 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब प्लस 225। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाहता है, तो यह क्वेश्चन हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाहता है, वो x की वैल्यू फिर से यहाँ पे पूछना चाहता है कि क्या आएगी। ठीक है, तो 28 का स्क्वेयर क्या लिख सकते हैं, 28 का जो स्क्वेयर होता है वो होता है 784। इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब कितना होता है 7 का स्क्वायर होता है 49 और क्यूब होता है 49 × 7। इसको लिख सकते हैं 3 हासिल 6, 728 और 6 34 343 प्लस 225। ठीक है, अब हम इसको अगर प्लस कर लेते हैं तो ये आता है हमारा 8 6 और 5 568। ठीक है, अब ये 784 है, ये माइनस का एक्स क्यूब और 784 अगर उस साइड जाता है तो माइनस के 784 होंगे और प्लस के 568 होंगे। अगर इसमें से इसको हम घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 784 से अगर हम 568 को माइनस करते हैं तो 14 में से 8 जा रहा हमारा 6, 7 में से 6 जा रहा है 1 और 7 में से 5 जा रहे हैं 2। ठीक है, माइनस के बचते हैं, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस के 216। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब 216, आंसर 6। ठीक है, इससे आ गया क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर से बोडोमास के ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बोडोमास से ही पूछे गए हैं। और इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, 298 माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू 11। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने क्या लिखा है, एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको ये हो गया हमारा 11x, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 13 का स्क्वायर 169, ये दोनों माइनस के। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 177, 177। अगर हम 177 को 298 से माइनस करते हैं तो 1 और 29 में से अगर 17 घटाते हैं तो 12,
121 इज इक्वल टू 11x, यानी कि 11x, 11 से अगर 121 को हम 121 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा फिर से 11, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 11। बिल्कुल सीधा सा आंसर था। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए थे। बस टाइम टेकिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि हम इन क्वेश्चंस को कितने कम समय में कर पाते हैं। आगे फिर से कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, इस बार थोड़ा सा परसेंटेज का उसमें यूज किया गया है, देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 300 का एक्स परसेंट प्लस 16 इज इक्वल टू 81 प्लस अंडर द रूट 49। इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, इसको सोल्व करना है, का मतलब क्या है, गुणा 300 गुणा एक्स परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 81 प्लस 7, ये हमारा हो गया 88। 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 88। 3x इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, अगर हम इस साइड लेके जाएंगे 16 को तो 88 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 72, और x हमारे पास कितना बचेगा 24, 3 से ये 24 बार कट जाएगा और आंसर क्या होगा हमारा 24। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था और टाइम टेकिंग भी नहीं है क्वेश्चन इतना कि हम कह सकते हैं। थोड़ा सा बोडोमास का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा बेसिक हमारा होना चाहिए, और बोडोमास के ऊपर एक बेसिक क्लास हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से IBPS में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो बोडोमास की एक अच्छी सी क्लास बोडोमास के ऊपर मैं बहुत ही जल्द आप सबके सामने लाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है, अगले क्वेश्चन उसने दिया है क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम फिर से एक्स लिख लेते हैं। एक्स का उसने दिया है 21/32, फिर से उसने का लगा दिया है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बिल्कुल इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 4/7 इज इक्वल टू 81 × 12, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको हम एक्स 21/32 गुणा 4/7 बराबर है 81 × 12। अब इसको देखते हैं कौन कहाँ पे कट रहा है, 7 से 21 तीन बार कट रहा है, 4 से 32 आठ बार कट रहा है, ठीक है, 3 से ये 81 27 पे कट रहा है, ठीक है, और ये 8 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यानी कि x इज इक्वल टू 27 × 12 × 8। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करके देख लेना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है, x का 50% जमा 3 × 40 बराबर 220। देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। x का 50% ठीक है प्लस 3 × 40 यानी कि 120 बराबर हो गया 220। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 120 अगर हम उस साइड लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो इस साइड तो हमारा बच जाएगा 100। ठीक है, 50% कितना होता है किसी भी संख्या का, 50/100 अगर हम करते हैं तो यानी कि 1/2, यानी कि x बटे 2 इज इक्वल टू 100, ये दो साइड जाके गुणा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 200। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है, फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है। एक्स का 33 सही 1/3%, एक्स का 33 सही 1/3%, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है दोस्तों, इतना मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं है। 32 × 42 इज इक्वल टू 35 × 84,
ठीक है दोस्तों, तो उसने कंफ्यूज करने के लिए हमें दे दिया है 33 सही 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 33 सही 1/3 हमारा क्या होता है कि 100 का 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3। 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3, यानी कि एक्स बाई थ्री हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 32 गुणा 42। ये हमें सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, 32 और 42 के अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 6 8 12, 4 14 13, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1344। और 3584 की अगर हम गुणा करते हैं तो 20, 5 का 20 के 0 हासिल, 2 5 8 40 और 2 42, 1 काटा यहाँ पर लगेगा, 3 चौका 20 की 0 हासिल, 2 3 8 24 और 2 26, 0 2 10 1, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3020। अब इस 3020 से हम अगर 1344 को माइनस करते हैं तो एक्स बटा 3 इज इक्वल टू 3020 माइनस 1344, बचता हमारे पास 10 में से 4 गया 6 11 में से 4 गया 7, 10 में से 3 गया 7 और 1, 1776। और हम इसकी अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23 का 3 हासिल फिर 2 3 1 3 और 2 5, 5328 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो ताकि जो लोग IBPS का और एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी इसका बिल्कुल फ़ायदा उठा सकें। अगले क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 473 बराबर है 24 गुणा 43 माइनस 501 का, फिर से उसने दिया है 66.66%। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसी को देखना होगा क्योंकि कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में यही पे होगी, 66.66% कितना होता है, जब हमने देखा था 33.33% हमारा क्या होता है 1/3 जो होता है हमारा वो 33.33% था, तो इसका अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं इसको अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हमारा आता है 66.66%, यानी कि 1/3 को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2/3, इसकी वैल्यू होगी 2/3%, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये दिया गया है 501 गुणा 2/3 यहाँ पे, और 24 और 43 के अगर हम गुणा करते हैं तो 24 72 2 हासिल 7, 24 चौके 96 और 7 103, ठीक है, यह आ जाता है 1032। और ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 बचते हैं 2 3 6 18, 3 7 21, 167 का दूना कितना होगा 320 और 14 334, ठीक है, यानी कि 1032 से अगर हम 334 को माइनस कर देते हैं तो 12 में से 4 गया 8, और फिर 12 में से 3 गया 9, और 9 में से 3 गया 6, बचता हमारे पास 698, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर प्लस 473 इज इक्वल टू 698। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर है 698 में से अगर हम 473 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है ये 5, और 69 में से अगर हम 47 को निकालते हैं तो हमारे पास फिर से बचता है 22, यानी कि ये क्या होगा 225। और जो 225 होता है वो हमें पता है कि 225 जो है वो 15 का स्क्वायर, यानी कि अगर इस स्क्वायर को हम कैंसिल करते हैं तो इसके ऊपर हमें रूट लगाना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, यानी कि 15।
से आ गया क्वेश्चन, हम देख लेते हैं उसमें क्या कहना चाहता है। बिल्कुल, बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे आ गया क्वेश्चन जो आता है वो सीरीज़ का आता है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर, 200, फिर दिया है 193, फिर दिया 179, फिर दिया 158, फिर उसने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे मैक्स मान लेते हैं, फिर दिया है 95। यानी कि यहाँ पे हमें पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ये देखते हैं, यहाँ पे 200 में से 7 कम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 179, 193, 14 कम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 21 कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7, 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, यानी कि -28। -28, अगर 158 में से हम 28 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 130। आगे का भी हम चेक कर सकते हैं, -35, यानी कि अगर 35 130 में से 35 हम घटाते हैं तो हमारे पास आता है 95, यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या हुआ, 130। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है इससे आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है हमें, फिर से मिसिंग नंबर का ही है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 25, यहाँ पे 76 और यहाँ पे 153 और यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी सीरीज होती जा रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे या तो कुछ गुणा हो रहा है या फिर कुछ भाग हो रहा है। तो हम देखते हैं, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 76 का जो 2 गुना होता है वो होता है 152 + 1, यानी कि 2 से गुणा और प्लस का 1। अब हम इसको देखते हैं, 25 × 75 गुणा 3 + 1। अब देखते हैं, 6 × 24, यानी कि गुणा 4 और जमा 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 × 5 और 1 = 6, यानी कि गुणा 5 और जमा 1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, गुणा 1 और जमा 1, यानी कि ये 1 से गुणा हो रहा है और 1 ही उसमें जुड़ रहा है। तो अगर हम इसको 1 से भाग करते हैं, 153 को 1 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 153, और उसमें से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 152, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास 152। इसका उल्टा कर देते हैं हम, तो क्योंकि हम वापस जा रहे हैं ना, इसलिए। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या पूछा है, 50, 54, 45, 61, 36, यहाँ पे क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, +4, यहाँ पे क्या हो रहा है, -9, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +16, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -61 से अगर हम 36 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 25, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे क्या आना चाहिए हमारे पास, 6 का स्क्वायर। ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये क्या होगा, प्लस, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 36 + 36 = 72, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9, 45, 180, 540, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1080। इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यानी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कि नंबर सीरीज से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं मिसिंग नंबर से, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना है, 9 × 5, ठीक है, ये इसका 4, ये इसका 3, 180 का 3 × 540, यानी कि ये किसी का, इसका यहाँ पे 2, 540 का 2 कितना होगा, 1080,
80 और ये इसका एक गुणा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको कर सकते थे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिया गया था। थोड़ा सा कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी कैच कर पाते हैं, उसको कितनी जल्दी हम टैकल कर पाते हैं, और उससे हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं से 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या दिया है, टाइम दिया है 5 ईयर्स यानी कि 5 साल, और हमें क्या दिया है, मिश्र धन उसने बोला है कि उस स्वयं की क्या हो जाती है 5 गुना। यानी कि अगर हमारे पास पहले 1 रुपया था तो अब क्या होगा, 5 रुपये हो गए, 5 साल का हमें टाइम लगा। वो पूछना चाहता है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर हमारे पास जो मिश्र धन है वो हमारे पास 5 रुपये है और हमारे पास मूलधन जो है वो 1 रुपये है, तो हमारा ब्याज कितना बनता है, 5 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो 4, यानी कि 4 ब्याज हमारा बनता है। तो हम देख लेते हैं, मूलधन 1 मान लेते हैं, ठीक है, रेट की जगह पे आर बटे 100 गुणा आगे क्या लिखते हैं, टाइम 5 साल बराबर ब्याज कितना निकला 4, यानी कि जो हमारा फार्मूला होता है पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू टी इज इक्वल टू एस आई। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 से 20 पर आर, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा 20 से 20 गुणा 4, 80%, 80% यानी कि 80% सालाना जो है हमारी ब्याज की दर होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक यात्री ट्रेन जो मालगाड़ी निकलने के बाद स्टेशन से 8 घंटे के बाद निकलती है और 5 घंटे में उसे ओवरटेक कर लेती है, तो मालगाड़ी की गति क्या है। यानी कि क्या कहना चाहता है, ये कोई स्टेशन है, यहाँ से कोई डिस्टेंस है और यहाँ से 2 ट्रेनें निकलती हैं, पहले एक मालगाड़ी यहाँ से निकली और वो 8 घंटे चल चुकी है। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पे पहुँच चुकी है 8 घंटे में, और उसके बाद जब वो यहाँ पे थी तो यहाँ से एक ट्रेन निकलती है, दूसरी ट्रेन, उसकी स्पीड है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, वो यहाँ से निकलती है और जब वो इस ट्रेन को कवर करती है तो यानी कि ये ट्रेन 5 घंटे और चल चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, और वो इसको टोटल 5 घंटे में कवर कर लेती है, यानी कि ये जो ट्रेन है हमारी ये पूरी 13 घंटे की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, और ये सिर्फ 5 घंटे में, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की, 78 × 5, 78 और 5 के अगर गुना करते हैं तो 5 8 40 0 हासिल 4, 5 7 35 और 4 यानी कि 390 किलोमीटर की जो टोटल डिस्टेंस है वो इसने 5 घंटे में कवर किया है। और उस ट्रेन के बारे में वो हमसे पूछना चाहता है, हमसे जानना चाहता है कि इसकी स्पीड क्या होगी, जब ये ट्रेन हमारी 13 घंटे चल चुकी है और डिस्टेंस तो इसने भी 390 की ही कवर की है, तो डिस्टेंस का स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 390 किलोमीटर और जो हमारा टाइम है वो कितना है 13 घंटे, यानी कि 30 से कैंसिल हो जाएगा, 13 × 39 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज वो क्वेश्चंस में करता है, हमें ध्यान रखना होता है कि वो क्या जानना चाहता है। से आगे आप क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कहता है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 40, और क्या कहता है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की जो संख्या है बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है, लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि अगर लड़कियों की संख्या हम एक्स मान लेते हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी, एक्स प्लस 4, तो हम इसको निकाल सकते हैं यहाँ से, ये अगर हम इसको जोड़ते हैं x plus 4 इज इक्वल टू 40, यानी कि 2x + 4 = 40 और 2x बराबर आ गया हमारा 36, x की वैल्यू आ गई 18, यानी कि जो लड़कियां हैं उनकी संख्या है 18 और जो लड़के हैं उनकी संख्या आ गई 22। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है पूरी कक्षा का जो औसत वजन है, यानी कि 40 स्टूडेंट्स का जो औसत वजन है वो 48.4 kg है, और जो हमारे पास उसने दिया है गर्ल्स का, यानी कि हमारे पास 18 लड़कियां हैं और वेट क्या है 44 kg, तो उसने पूछा है लड़कों का औसत वजन कितना होगा,
यानी कि जो 22 लड़के हैं उनका औसत वजन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 को अगर हम 40 से गुणा करते हैं तो 0, 0 चार चौके 16 का 6 हासिल, 1 4 8 32 और 33 का 3 हासिल, 3 4 चौके 16 और 3 19, यानी कि 1 छोड़ के दशमलव हमारे पास आ जाता है 1936 केजी टोटल वेट। टोटल सभी 40 स्टूडेंट्स का वेट हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं 18 लड़कियों का औसत वज़न कितना है, 44 केजी, यानी कि 18 चौके 72 हासिल 7, 18 चौके 72 और 7 यानी कि हो गया 792। अगर 1936 से 792 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 4, 13 से 9 गए 4, 18 से 7 गए 11, यानी कि आ गया हमारे पास 1144। तो सभी 22 स्टूडेंट्स जो लड़के थे, 22 बॉयज़ यानी कि 22 लड़कों का जो टोटल वेट हमारे पास है वो 1144। अगर हमें निकालना है एवरेज तो हम इसको 22 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जाएगा 22 × 5 = 110 और 22 × 44 यानी कि 52 kg पर बॉय, ये हमारा एवरेज वेट आ जाएगा।